जब भी आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उसे आपके पास पहुंचने में एक हफ्ते जैसे तो एक महीने या दो महीने लगता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा था इसको मेरे पास पहुंचने में पूरा दो साल लगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर डिजिट पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख गया, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसको बाद में खोलेंगे हम, पर देखते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये एक 200 वाट का गैन चार्जर है। गैन मतलब GAN, गैलियम नाइट्रेट। ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसमें छोटे एक कॉम्पैक्ट बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा वाट की आउटपुट मिल जाता है। तो कंपेयर कर सकते हो, सपोज ये है मेरा 140 वाट का चार्जर, ये मैकबुक प्रो का चार्जर है, ये 140 वाट का है और इसमें जो चार्जर है इसके हाफ साइज में आपको 200 वाट का आपको चार्जर मिल जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कितने छोटे बॉडी में कितना ज़्यादा आउटपुट देता है ये। तो चलिए फटाफट इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये रहा वो डिब्बा जो कि आया है सिंगापुर से, ऑलरेडी मैंने खोल लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या आया है, इतने सालों बाद आया है तो कुछ याद ही नहीं रहा। ओके, ये कचरा बाद में फेंकते हैं। तो इधर लिखा है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट 200 वाट चार्जर, एक किकस्टार्टर प्रोडक्ट था। मतलब कंपनी प्रोडक्ट बनाने से पहले मैंने इसमें कुछ इन्वेस्ट किया था और जब कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया मतलब 2 साल उसका लग गया प्रोडक्ट बनाने में, तभी जाके मुझे पैकेज मिला है। टैन टैन, ये रहा वो प्रोडक्ट। उससे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इधर। 100 वाट एसी पावर डिलीवरी, चार्ज टू मैकबुक 16 इंच, चार्ज अप टू 4 डिवाइसेस, गैन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये डिवाइस जब लॉन्च हुआ उस टाइम शायद ये जो मैकबुक प्रो 16 जो अभी का है, M1 प्रो या M1 मैक्स का जो है, तभी लॉन्च नहीं हुआ था, तो इसीलिए शायद ये 100 वाट में रुक गए, नहीं तो शायद और ज़्यादा भी निकाल सकते थे। फिर लिखा हुआ स्मॉलेस्ट 200 वाट चार्जर, अब मैं क्या बोलूँ, तब आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो। इसको रखते हैं साइड में। फिर आता था हमारा मेन पैकेज, सॉरी मैंने उल्टा पकड़ लिया, ये रहा। ये है ओमेगा का 200 वाट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कुछ डिटेल्स वगैरह दिया है, तो हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसको रख देते हैं। ये हमारा मेन प्रोडक्ट और उसके साथ है एक पाउच। सीरियसली, मतलब एक चार्जर पकड़ने के लिए एक पाउच, अच्छी बात है भाई, क्वालिटी अच्छा है, मुलायम है, अच्छा बात है। मतलब हम इसको कहीं पे कैरी करके ले जा सकते हैं पाउच की मदद से, बैग तो हमारे पास है ही नहीं। 2 साल बाद दिए हैं, मतलब कुछ तो दिए होंगे। ये रहे इसके एडेप्टर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूसेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की। ये रहा इंडियन एडेप्टर, ये शायद USA का है, पता नहीं ये किसका है। तो ये तीनों एडेप्टर दिया है, तो इसको रख देते हैं साइड में। खोलते हैं हमारा मेन प्रोडक्ट, ये रहा वो चार्जर 200 वाट का चार्जर। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो, पीछे की तरफ दो USB-C का दो 100 वाट का दो आउटपुट दिया है और दो USB-A 22.5 वाट का दो आउटपुट दिया। मतलब एक साथ आप चार्ज भी चार्ज कर सकते हो, मतलब दो आईफोन या आईपैड हो गया और दो मैकबुक। और सच बोलते बहुत लाइट वेट है, मेरे पास इसका वजन नापने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, पर सच में बहुत लाइट वेट है। आप देख सकते हो इसमें इतना छोटा आ जाता है। ये रहा मेरा 140 वाट का चार्जर और ये रहा 200 वाट का चार्जर। मतलब से करूँ तो देख सकते हो कितना ज़्यादा हो रहा है। तो उसको रखते हैं साइड में और ये कुछ इस तरह से खुल जाता है। मतलब आप चाहे तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो या फिर ऐसे करके ऐसे भी लगा सकते हो, मतलब ये इस तरह से भी लग जाएगा या फिर आप सीधा करके इस तरह से लगा सकते हो।
अगर मैं इस इंडियन एडेप्टर की बात करूं, ये हो गया। अब चाहे तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूं, ये बटन है, इसको पुश करके निकालना होगा शायद, ओके, या फिर इसको सीधा ऐसे ऐसे करके मैं इसको लगा सकता हूँ, जैसे मर्जी मैं इसको लगा सकता हूँ। तो ये है मेरा 200 वाट का चार्जर, और इसको मैं कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकता हूँ। तो ये रहे इसके सारे आइटम्स, जिसको पहुँचने मुझे लग गया 2 साल, पूरा 2 साल, मतलब बस 1 महीना कम। जो GaN टेक्नोलॉजी है, ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर में आप हमको ऐसे ही GaN टेक्नोलॉजी वाला चार्जर मिलेगा, जो कि सपोज हमारा जो 20 वाट, 30 वाट, 40 वाट चार्जर है, इतना छोटे छोटे आएंगे, मतलब कितना लाइट वेट होगा, तो हमें कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक डिवाइस में अगर मैं 3-4 चार्ज कर सकूँ तो कोई दिक्कत नहीं यार, हर डिवाइस के लिए मुझे अलग अलग चार्जर खरीदना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैंने जो इंडिया में अभी अवेलेबल है, ये तो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो इंडिया में अवेलेबल है, जो चार्जर मैं 65 वाट का खरीदा था, उसका वीडियो मैंने बनाया था, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसको शायद आपको वहाँ पर जाकर खरीदना पड़ेगा। इसका जो साइज है, चार्ज ASAP, चार्ज आज सुन आज पॉसिबल। तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद मेरे को लाइक करिए, अगर सुझाव नीचे कमेंट करिए, इसी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।